भारत रत्न से सुशोभित बाबा साहेब अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के महान व्यक्ति थे। देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष महाराजा सिरोही के निवास 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बिताए। 6 दिसंबर 1956 को उन्हें यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बाबा साहेब के अनुयायी इस निवास को पवित्र स्थल मानते हैं। प्रस्तावित स्मारक की संरचना संविधान की खुली पुस्तक के रूप में की गई है, जो उन्हें समर्पित है। स्मारक के बाहरी हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया जाएगा। प्रवेश चौक के केंद्र पर भव्य भीम स्तंभ प्रस्तावित हैं। नीचे जा रहे रास्ते की दीवार पर बाबा साहेब के अनमोल विचार उल्लेखित हैं। पानी के झरने के साथ साथ बना मार्ग दर्शकों को इमारत के पीछे की ओर ले जाता है। पानी में लगे मील पत्थर बाबा साहेब की विशिष्ट उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। विविधता में एकता सिखाते भांति भांति के फूल दूसरे बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। बोधिसत्व अमर ज्योति पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। झरने के दूसरी ओर शांति और पवित्रता के प्रतीक सफेद फूलों से घिरा बोधि वृक्ष होगा, जिसके नीचे ध्यान करने की व्यवस्था होगी। संगीतमय फव्वारे ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का कार्य करेंगे। स्मारक का मुख्य द्वार एक विशाल स्वागत कक्ष में खुलेगा, जहां बाबा साहेब की भव्य मूर्ति स्थापित होगी। लेट अस लीव असाइड स्लोगन, लेट अस लीव असाइड वर्ड्स विच फ्राइटन पीपल, लेट अस इवन मेक कंसेशन टू द प्रेजुडिसेस ऑफ आवर अपोनेंट, ब्रिंग देम इन सो दैट दे मे विलिंगली जॉइन विथ अस ऑन मार्चिंग अपॉन दैट रोड विच एज आई सेड If we walk long enough, must necessarily lead us to unity. स्मारक में उनकी यादों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का संकलन प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया गया है। उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं, चित्र एवं पुस्तकें यहां प्रदर्शित होंगी। इमारत के पीछे एक स्तूप होगा, जिसके हॉल में 50 से 60 लोग एक साथ बैठकर विपश्यना ध्यान कर सकेंगे। स्तूप की बाहरी दीवार हस्त मुद्राओं से सुसज्जित होगी। प्रस्तावित स्मारक में जलपान गृह एवं पार्किंग की उपयुक्त सुविधाएं होंगी।